हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं ओट्स बार की मिठाई बना के आपको दिखाऊंगी। तो चलो शुरू करते हैं। पहले मैं ओट्स को पीस लूंगी। तो चलो दोस्तों, हम पहले इसको दलिया को डाल लेते हैं। पहले हम दलिया को डाल लेंगे मिक्सी में। 1 कप मैंने दलिया लिया है। 1 कप दलिया डाल दिया मैंने इधर मिक्सी में। तो मैंने 10-12 खजूर लिए हैं। ये खजूर भी हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा हम इसमें दालचीनी का पाउडर डालेंगे। चलो हम थोड़ा इसमें पीनट डाल लेते हैं। चलो इसको पीस लेते हैं। ये मैंने सभी डाल दिया है। चेक कर लेते हैं। ये अच्छा सब हो गए हैं दोस्तों, आप लोग देख सकते हो। इसको मैं आप बाउल में रख दूंगी। चलो ये बाउल में थोड़ा घी लगा देते हैं। बाउल में थोड़ा, टिफन में थोड़ा घी लगा देती हूँ अच्छी तरह से। चलो ये सब बाउल में रख देती हूँ मैं। टिफन में रख देंगे इस तरह से। सभी निकालेंगे हम। चलो मैंने सभी रख दिए हैं टिफिन में। चलो हम इसको अच्छी तरह से दबा के रख लेंगे टिफिन में। एक लेबल बना देंगे इनका। उसके बाद मैं फ्रिज में रख लूँगी। ये अच्छी तरह से हमारी मिठाई बन जाएगी। चलो दोस्तों, इसमें मैं नट्स डाल देती हूँ। इस तरह से नट डाल लेंगे इसमें। चलो मैं फ्रिज में रख देती हूँ इसको। अब मैंने ये नट्स लगा दिए हैं तो हम फ्रिज में रख देंगे। आधा घंटे के बाद आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। दोस्तों, मैंने ये जमने को रखा था फ्रिज में, अब ये जम चुका है। तो चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। प्लेट में रख के आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। चलो दोस्तों, मैं ये एक एक करके निकाल के यहाँ रखती हूँ। आप लोग देख सकते हो। देखो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कितने अच्छे बने हैं मिठाई। आप लोग देख सकते हो बहुत हेल्थी हैं। आप लोग भी जरूर अपने घर में ट्राई करना दोस्तों। शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है दलिया की मिठाई। हेल्थी खाना खाना है तो ओट्स की मिठाई बनाइए। आने वाले समय में मैं आपको नई नई रेसिपी लेके आऊंगी दोस्तों। हेल्थी हेल्थी रेसिपी मेरी ज़्यादा हेल्थी रेसिपी रहती है दोस्तों। आप लोग जरूर अपने घर में बनाइए दोस्तों। जिनको प्रॉब्लम है, बीमारी है, वैसे मिठाई नहीं खा सकते, तो ये मिठाई अपने घर में बना सकते हो। आप लोग जरूर खा सकते हो। मार्केट की मिठाई उतनी अच्छी नहीं होती है। घर में मिठाई बनाइए इस तरह से। ओट्स की मिठाई बहुत हेल्थी है। आप लोग देख सकते हो कितनी अच्छी बनी है। ले लो, आप लोग भी खा लो। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। जो भी मेरे वीडियो देखते हैं दोस्तों, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उनको दिल से बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।
टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।